अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन। और आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप। हमने ले लिए हैं मैश पोटैटो और इसे बॉईल करके हमने अच्छा सा मैश कर लिया। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमारे पास रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून अराउंड, और हरी मिर्च है 2 अदद। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हमें 2 पिंच हमें चाहिए अजवाइन, जिसको हमने हैंड क्रश कर लिया, और साबुत धनिया हमारे पास 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है हमारे पास 1/2 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसे बस हम सही से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारे स्पाइसेस जो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया, और हम इस पर अब ब्रेड ली है। ब्रेड हमारे पास हसबे ज़रूरत, आप जितनी चाहे ले सकते हैं। इसको हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। के ऊपर अच्छा सा हम स्प्रेड कर देंगे। इजी सी रेसिपी है, क्विक रेसिपी, इफ्तारी के टाइम आप इसे बनाएं। दूसरे पीस को भी हम ऐसे ही स्प्रेड कर रहे हैं। देखें ज़्यादा थिन मैंने नहीं लगाया इसको, क्योंकि मुझे इसका पीस डबल करना, डबल पीस हम इसका कर देंगे। इसको हम किसी भी शेप में कट कर लेंगे। आप चाहते हैं तो छोटे पीसीस भी कट कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे सैंडविच की शेप में कट कर लूँगी। और सारे ही सैंडविच हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे ब्रेड पकोड़ा के। पर इसके लिए हमने ले लिया है, कोटिंग के लिए हमारे पास है बेसन। बेसन है मेरे पास 1/2 कप, और रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है हमारे पास, और अजवाइन 2 पिंच है हमारे पास हैंड क्रश, ये ऐड कर देंगे। और इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अब ये बेसन में हमने स्पाइसेस मिक्स कर लिए हैं, हरा धनिया भी ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। एकदम से हमने पानी इसमें नहीं ऐड करना, वरना ये थिन सा पेस्ट बन जाएगा। हमें मीडियम बनाना है, ज़्यादा ना थिन हो ना थिक। इसे हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर। ये देखिए इसका इतना थिक सा हम पेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा थिन भी नहीं करना हमने, बस इतना ठीक है। अब हम अपना फ्राई कर लेते हैं पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा। अब बस हम पीस लेंगे एक, और इसे डिप कर देंगे। हमने ऑयल को पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया, शैलो फ्राई हम इसे करेंगे। और एक पीस को लेकर तो हम पैन में डाल देंगे, इसको अच्छा सा क्रिस्पी से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखो हम इसको 1 मिनट के बाद टर्न कर देंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, ताकि इसके अदर साइड पे गोल्डन हो जाए। जितना हमारे इजीली पैन में आ जाएंगे पीसेस, हम उतने ही ऐड कर देंगे इसमें। देखें इसकी दोनों साइड्स अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और बाकी जो हमारे सारे और ब्रेड पकौड़ा है उन्हें भी रेडी कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी टू ईट है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें, इजी एंड क्विक रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।